मुसलसल ठंड में इजाफा और तेज़ बारिश की वजह से आम के दरख्त में मुख्तलिफ वायरस लगने से फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस साल आम की पैदावार में कमी का भी खतरा है। मज़ीद जानेंगे नौशहर फिरोज से, मुजफ्फर अब्बासी से। जी बिल्कुल, सिंध में जो है वो आमों की पैदावार बिल्कुल ना होने के बराबर हुई है। उसकी वजह है कि मुख्तलिफ वायरस जो है वो आम के दरख्त को लगने से पैदावार कम हुई है। पिछले साल जो बारिशें हैं उसकी वजह से भी जो है वो दरख्तों को जो है वो नुकसान पहुंचा। मेरे साथ इस टाइम पे मौजूद है एडिशनल डायरेक्टर गुलाम फारूक विस्ट्रो साहब। हम एक बाग में खड़े हैं जो आप पीछे देख रहे हैं। इसमें ये है कि पहले तो हम प्रिकॉशनरी में एहतियाती तदाबीर नहीं लेते, उसके बाद जब वो नहीं लेते तो काफ़ी बीमारियां आ जाती हैं। अगर इसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग और एहतियाती तदाबीर लेंगे मुकम्मल तरह से सो ये बीमारियां नहीं आएंगी। अभी ये जो स्टेज है ना वो स्टेज है कि अभी इसमें स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं है तो अब क्या करें, क्योंकि फ्रूट फैला आने वाली है। अभी इसके बाद जो है एक इंसेक्ट है फ्रूट फैला, तो उसके लिए हम ट्रेप्स लगाते हैं प्रीकॉशनरी में इसके तौर पर। ये सेक्स फेरामोन ट्रेप्स होते हैं जो हम अभी लगाते हैं इसमें, तो उसकी ये है कि वो उसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो हमारा जो भी फ्रूट होगा वो हेल्दी होगा। प्रॉपर जो मेंटेनेंस होनी चाहिए इस दरख्त की, फिर ही जो है वो हम अच्छी मिकदार में जो है वो फल कर सकते हैं। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।